नमस्कार दोस्तों, आज हम आरआरबी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और इसका ये पार्ट टू है। इसमें आपके 2014 और 15 में पूछे गए प्रश्न शामिल हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये क्वेश्चंस आपने आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर इज़ इक्वल टू, 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 10^-6 माइक्रोन, 10^6 माइक्रोन, 10^-3 माइक्रोन या फिर 10^3 माइक्रोन। तो 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 10^6 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका जो सर्वे इंजीनियरिंग से है, इन ए वेल कंडीशंस ट्रायंगल 1 एंगल शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके वेल कंडीशन में जो है किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एंगल जो है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो कोई भी एंगल जो है कितने से कम नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ RF इज, यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है RF की। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रिप्रेजेंटिव फ्रैक्शंस, रिडक्शन फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटिव फैक्टर्स। तो आपकी RF की जो फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटिव फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्लास्टरिंग वॉल सीमेंट मोर्टार वुड बी टाइपिकली यूज्ड इन विच रेशियो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी दीवारों पर जो है प्लास्टर करने के लिए सीमेंट मोर्टार का जो है कौन सा रेशियो का जो है यूज किया जाएगा, 1:2 का, 1:4 का, 1:6 का या फिर 1:8 का। तो किस रेशियो का यूज किया जाएगा, 1:4 का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर Fe415 इज। तो यहाँ पर आपसे मिनिमम जो है यील्ड स्ट्रेस पूछी है Fe415 के लिए, वो कितनी होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट रहेगा, 415 MPa। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए जो है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो कितनी यूज की जाएगी। तो वो यूज की जाएगी M20। यही आपका जो है राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लाइम स्टोन रॉक फॉल इन द कैटेगरी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चूना पत्थर जो आपकी रॉक होती है, लाइमस्टोन को जो है अलग किया गया है एग्नियस में, सेडिमेंट्री में, मेटामॉर्फिक रॉक में या फिर नन ऑफ अबव में। तो आपके लाइमस्टोन को जो है अलग किया गया है किस में, सेडिमेंट्री रॉक में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें कौन सा जो है ईंट की जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मॉडुलस ऑफ रेप्चर, टेक्सचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर फायर रेजिस्टेंस। तो इसमें कौन सी जो है ब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो है टेक्सचर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपका जो है बिल्डिंग मटेरियल से है। लाइम मोर्टार इज जनरली मेड विद, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका लाइम मोर्टार होता है वो किससे बना होता है, क्विक लाइम से, फेट लाइम से, हाइड्रोलिक लाइम से या फिर वाइट लाइम से। तो ये किससे बना होता है, ये बना होता है हाइड्रोलिक लाइम से, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फेट लाइम इज लेस देन, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि फेट लाइम में जो है इम्प्योरिटीज़ का जो प्रतिशत है वो कितने से जो है लेस देन होना चाहिए, 5% से, 10% से, 15% से या फिर 20% से। तो आपके फेट लाइम में जो है इम्प्योरिटीज़ का परसेंटेज जो है किससे कम होना चाहिए, 5% से, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फेट लाइम इज यूज्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फेट लाइम का जो यूज करते हैं वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ पर करता है, मैसनरी मोर्टार में, लाइम कंक्रीट में, प्लास्टिक वर्क में या फिर नान में। तो फेट लाइम जो है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ करता है, ये करता है प्लास्टर वर्क में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेंड बाय कैल्सिनिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसके कैल्सिनेशन से हमें प्राप्त होता है, जिप्सम से, बॉक्साइट से, लाइमस्टोन से या फिर कंकर से। तो पीओपी जो हमें किसके कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है, जिप्सम से, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेज़र द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को मापने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, करंट मीटर का, हार्ट वायर एनीमोमीटर का, पिटोट ट्यूब का या फिर वेंचुरी मीटर का। तो डिस्चार्ज को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर का, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एनर्जी को जो है किस यूनिट में हम मेजरमेंट करते हैं, पास्कल में, जूल में, कैलोरी में या फिर हार्स पावर में। तो हम एनर्जी को किस में मापते हैं, उसे मापते हैं जूल में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है द टर्बाइन सुटेबल फॉर लो हेड्स एंड हाई फ्लो रेट्स इज, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके जो है लो हेड व हाई फ्लो के लिए जो है सबसे सुटेबल टरबाइन जो है कौन सी है, पेल्टनविल टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, केपलन टरबाइन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपकी कौन सी सुटेबल रहेगी सबसे ज़्यादा, वो रहेगी केपलन टरबाइन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली वोट परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट की जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ की जो है वो कितनी होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 50%, 20%, 10% या फिर 5%। तो वो कितनी होती, वो होती है 10%, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग इज टू बी वर्क फ्रॉम टू, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके सर्वे का जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल इनमें से क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही राइट रहेगा, होल्ड टू द पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि थियोडोलाइट का जो साइज होता है उसे हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की लेंथ से, या फिर डायमीटर ऑफ द वर्टिकल सर्कल से, वर्टिकल सर्कल के डायमीटर से,
या डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट से, लोअर प्लेट के डायमीटर से। तो यही आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। इसी से हम थियोडोलाइट के जो है साइज को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर लीस्ट ऑफिस वर्क इज। यहाँ पर आपसे सर्वे का जो है वो प्रकार पूछा गया है जिसमें जो है सबसे कम ऑफिस वर्क की आवश्यकता होती है। आपको सर्वे दे रखे हैं, टेकोमीट्री सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग या फिर थियोडोलाइट सर्वेइंग। तो आपका जो प्लेन टेबल सर्वे होता है इसमें सबसे कम जो होती है ऑफिस वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए मटेरियल सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जब कोई मटेरियल जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी को जो है शो करता है तो वो कहलाता है आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, एनिसोट्रोपिक या फिर हेट्रोजीनियस। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनिसोट्रोपिक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वैल्यूम, मास, फोर्स या फिर लेंथ। तो जो आपका फोर्स है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया है कि ये क्या कहलाता है, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, पॉइज़न रेशियो या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपका यही ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि बिना ब्रेकिंग के मटेरियल के जो है डिफॉर्म होने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिकनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। पिकनोमीटर का यूज जो है किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो को जानने के लिए, या स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड राइट डेंसिटी के लिए, या वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो पिकनोमीटर का जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक आपके कंपैक्टेड डेंस सैंड की जो है रिलेटिव डेंसिटी जो है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है। ऑप्शंस दे रखे हैं 0.4, 0.95 के, 0.50 के, फिर 1.10 के। तो वो किसके बराबर होती, वो होती है 0.95 के। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फेसेज इन सॉइल मास इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके सॉइल मास में जो है नंबर ऑफ फेस की जो है कुल संख्या कितनी होती है, 3, 2, 1 या फिर 4। तो कितनी होती, वो होती 3। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यहाँ पर आपको कुछ सॉइल्स दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें जो है सबसे ज़्यादा किसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, सैंड का, सिल्ट का, क्ले का या फिर ग्रेवल का। तो सबसे ज़्यादा किसका होता, वो होता है क्ले का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज कैन बी यूज फॉर ऑल द फॉलोइंग पर्पज एक्सेप्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है
कि जो आपका न्यूक्लियर डेंसिटी गेज होता है उसका यूज जो है इन ऑप्शन में से एक को छोड़कर जो है हम सभी के लिए करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट के लिए, वेट डेंसिटी के लिए, ड्राई डेंसिटी के लिए या फिर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रीडिंग के लिए। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा, पेनिट्रेशन रीडिंग को छोड़कर हम बाकी इन सब के लिए करते हैं। आज हमने आरआरबी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आप बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।